आप सभी हिसार नगर वासियों को मेरा नमस्कार। आप जानते ही हैं कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के आदेशानुसार 4 मई से सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक सभी को छूट दी गई है और हिसार प्रशासन द्वारा माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक दुकानें खोलने के आदेश जो दिए गए हैं, इस दौरान हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी हैं, क्योंकि अभी हमने कोरोना पर जीत हासिल नहीं की है। सरकार ने हमें छूट दी है, ना कि कोरोना ने छूट दी है। यदि हम सभी सावधानियों का पालन नहीं करेंगे तो ये छूट हमारी समाप्त भी हो सकती है। आप सभी व्यापारी साथियों को और सभी आपके दुकान पे आने वाले कस्टमर्स को, सभी दुकानों पर कार्य करने वाले साथियों को इन सभी नियमों का पालन करना है। सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। हमें अपने बचाव के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमें ये नियमों का पालन जरूर करना है। मास्क खुद भी लगा कर रखना है, अपने कस्टमर का भी मास्क चेक करना है और अपने स्टाफ का भी मास्क आपने चेक करना है कि सभी ने मास्क जरूर लगाया होना चाहिए। और जहाँ तक हो सके हाथ बार बार धोने हैं, और हाथ धोने का इंजाम अगर कस्टमर का भी आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, नहीं तो सैनिटाइज़र हमेशा आपकी दुकान पर होना चाहिए। आपके कस्टमर को जब भी एंट्री करते हैं उनको हाथों को सैनिटाइज़ कराइए। और रेडीमेड के दुकानदारों को स्पेशल बोलना चाहूँगा कि आप जो ग्राहकों को कपड़े ट्राई कराते हैं वो ट्राई न कराएं, क्योंकि बार बार कपड़े ट्राई करने से ये खतरा भी हो सकता है। और हिसार की जनता से ये अपील करूँ कि बिना वजह बाज़ारों में न घूमें, बहुत ही कोई ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलें, नहीं तो अपने घर पर रहें। क्योंकि मैं दोबारा वही बात कह रहा हूँ कि हमने अभी तक कोरोना जैसी महामारी पर जीत हासिल नहीं की है, ये सिर्फ सरकार ने हमें छूट दी है, कोरोना ने हमें छूट नहीं दी। सभी नियमों का पालन हमें करना बहुत ज़रूरी है और निश्चित समय पर ही हम दुकान अपनी 6 बजे ही बंद कर अपने घरों में चले जाएं, और 7 बजे के बाद, शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे तक कोई भी अपने घर से न निकले, और बहुत ही कोई ज़रूरी काम होता है तभी निकलें, अन्यथा बिल्कुल भी न निकलें। और रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी, और जो ज़रूरी सामान की दुकानें होती हैं, जैसे दूध है, सब्जी, किराना, दवाई, इन सब को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। मैं सभी हिसार वासियों से, व्यापारी साथियों से फिर अपील करता हूं कि नियमों का पालन करेंगे तभी हम ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में आ सकेंगे। और यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, यदि हम रेड जोन में चले गए, तो ये सारी छूट हमारी समाप्त हो जाएगी, फिर से हम लॉकडाउन में घरों में कैद हो जाएंगे। ऐसा ना हो, बार बार आपसे ये अपील है कि अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और व्यापारी साथियों से एक और भी आग्रह करूँगा कि जो दुकानदार अपना सामान बाहर लगाते हैं, दुकानों से बाहर लगाते हैं, वो भी कृपया न लगाएं, और नगर निगम को भी सख्ती करने का मौका न दें। मैं आप सभी से एक बार फिर अपील करता हूं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर